हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वैरायटी वालों की तरफ से की गई एक ऐसी जबरदस्त कंफर्मेशन जो एमसीयू फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार जो डिटेल्स वैरायटी वालों की तरफ से निकल कर आई है वो है डिज्नी प्लस पर आने वाली एक स्पिन ऑफ सीरीज जो पूरी तरीके से फोकस निक फ्यूरी के कैरेक्टर पर करने वाली है। जी हाँ, निक फ्यूरी जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सैमुअल जैक्सन एमसीयू के यूनिवर्स में प्ले करते हैं, और ये एक लाइव एक्शन सीरीज होगी, यानी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा डबल हो जाती है। क्यों, तो उन्हीं सभी डिटेल्स के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक इसी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सैमुअल जैक्सन की रिटर्न की कंफर्मेशन तो हो गई, अब बात करते हैं इस सीरीज से रिलेटेड कुछ और अलग डिटेल्स के बारे में। जैसे कि इस सीरीज को डायरेक्ट करने का काम कैली ब्रैडस्टीट को दिया गया है, जिन्होंने इसके पहले रामी मलिक के करियर की सबसे फेमस सीरीज मिस्टर रोबोट की कहानी लिखी है, और अब उन्हें निक फ्यूरी की सीरीज की स्टोरी लिखने के लिए बुलाया गया है। और इसके अलावा वो इस सीरीज के एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर भी है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का काफी ज्यादा मौका भी मिलेगा। तो इन डिटेल्स के अलावा एक और बात भी कंफर्म की गई है कि इस सीरीज पर काम काफी टाइम पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिससे कि ये बात भी साबित होती है कि निक की आने वाली सीरीज फेज 5 के लिए डेवलप की जा रही है, यानी कि इस सीरीज की स्टोरी पर ऑलमोस्ट काम भी खत्म कर दिया गया होगा या फिर इसकी कहानी एंड पर होगी, इसलिए इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और अब आते हैं निक फ्यूरी पर, जिन्हें हमने आखिरी बार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में देखा था, जहां पर वो एक स्पेस स्टेशन में काफी सारे स्कर्ल्स के साथ थे, जो कि सीधे सीधे स्वॉट के स्पेस के हेडक्वार्टर का इशारा भी देता है, जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में हम शील्ड के अपग्रेडेड वर्जन के नाम से भी जानते हैं। यानी जो काम शील्ड वाले अर्थ पर करते हैं वैसा ही काम स्वॉट के एजेंट स्पेस में रहकर करते हैं, जिसके इंचार्ज ऑब्वियसली निक फ्यूरी ही होगे, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन को देखकर हमें पता भी चलता है। लेकिन इसमें स्पेशल है स्क्रल्स, जो निक फ्यूरी के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को संभाल रहे हैं, ताकि अर्थ पर बाहर से कोई दूसरी एंटिटीज आकर थानोस की तरह हमला ना कर दे। और कुछ रूमर तो ये भी कहती है कि ये स्पिन ऑफ सीरीज एक तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में सीक्रेट इन्वेंशन का भी काम करेगी, जो कि मार्वल कॉमिक में एक बड़ा नाम है। उसके अलावा निक फ्यूरी के पास काफी सारे सुपर हीरोज की जानकारी है कि अर्थ पर कौन कौन से सुपर हीरोज है, तो उस डिटेल के लिए मेरे हिसाब से आपको डिज्नी प्लस पर ही रिलीज हुआ शो फाइल्स देख लेना चाहिए, जो कि एनिमेटेड सीरीज है। उस एनिमेटेड छोटी सी शॉर्ट सीरीज में हमें अवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज की डिटेल दी गई है कि कौन से सुपर हीरोज के पास कितनी पावर्स है और वो उन्हें कैसे कैसे यूज करते हैं। यानी बेसिकली शो को बच्चों के लिए बनाया गया था, ताकि बच्चे सुपर हीरोज से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाए, और बड़ों के लिए निक फ्यूरी की पूरी की पूरी स्पिन ऑफ की सीरीज बनाई जा रही है, जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। और इसके अलावा फिलहाल तो इस शो के टाइटल की अभी तक कंफर्मेशन नहीं की गई है कि निक फ्यूरी के शो के टाइटल को क्या रखा जाएगा। वेल, तो अब देखा जाए तो डीसी के बाद एमसीयू की तरफ से भी काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं इसके यूनिवर्स को लेकर, जिसे पूरी तरीके से कवर डेफिनेटली अपने चैनल पर तो करूंगा ही। तो अब आपकी क्या राय है निक फ्यूरी के स्पिन ऑफ शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैरायटी वालों की तरफ से की गई सीरीज की अनाउंसमेंट आपके लिए कितनी ज्यादा खास है, और इसके अलावा आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो निक फ्यूरी की सीरीज को लेकर, उन सभी बारे में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलता हूं आपसे जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।